समाचार प्लस झारखंड बिहार की स्पेशल बुलेटिन समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं झारखंड बिहार की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वो भी तेज रफ्तार से। लोकसभा में सोनिया गांधी ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर इसे नहीं रोका गया तो लोकतंत्र गंभीर संकट में आ जाएगा। उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूहों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष की मिलीभगत के साथ सोशल मीडिया कंपनियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए आज से झारखंड के 12 से 14 साल तक के बच्चों को टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने झारखंड को 16 लाख से ज्यादा टीका का डोज उपलब्ध करा दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी टीकाकरण की तैयारी कर ली है। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए जिलों को वैक्सीन की 8,68,320 डोज आवंटित की गई है। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2022 जारी कर दिया गया है। एग्जाम में कुल 80% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। आर्ट्स में जहां 79% और कॉमर्स में 90.38% छात्र पास हुए हैं, तो वहीं साइंस में 79.81% स्टूडेंट पास हुए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने परिणाम घोषित किए। हाल ही की सबसे चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बिहार में टैक्स फ्री कर दिया गया है। बुधवार को डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की घोषणा की। बिहार के विधानसभा और विधान परिषद में इस फिल्म को टैक्स फ्री कराने की मांग उठी थी। रांची के कचहरी स्थित रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने जमकर मस्ती की और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं होली को लेकर कोर्ट 4 दिनों के लिए बंद रहेगा। झारखंड प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा राज्य में पिछड़ों को हक दिलाने के लिए हक न मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य सरकार और भाजपा को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो जल्द ही राज्य में धरना प्रदर्शन और चक्काजाम भी किया जाएगा। रांची पुलिस ने 10 लाख के इनामी नक्सली भीकन गंजू को गिरफ्तार कर लिया है। भीकन गंजू उग्रवादी संगठन टीपीसी के मोस्ट वांटेड कमांडर में गिना जाता है। रांची एसएसपी ने गुप्त सूचना पर मिली जानकारी के बाद भीकन गंजू को पंडरा इलाके में गिरफ्तार किया। एसएसपी ने स्पेशल टीम गठित कर कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद पुलिस ने टीपीसी कमांडर गंजू को गिरफ्तार कर लिया। रांची प्रेस क्लब में आज होली मिलन समारोह आयोजन किया गया। इस दौरान रांची के तमाम पत्रकार होली मिलन समारोह में शामिल हुए। होली के रंग में झूमते हुए नजर आए पत्रकारों का कहना है कि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से होली फीकी रही, लेकिन इस बार होली के नए अंदाज देखे जा रहे हैं। बोकारो में डालमिया सीमेंट प्लांट में काम करने वाले एक ठेका मजदूर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि एक मजदूर अभी तक लापता है। पुलिस के मुताबिक शव अभी अस्पताल में पड़ा हुआ है और गायब मजदूर की खोज जारी है। कोडरमा के बजरंग नगर में सीआरपीएफ जवान के बंद पड़े घर में बीती रात चोरी हो गई। चोर घर में रखे जेवरात समेत नकदी लेकर फरार हो गए। सीआरपीएफ जवान का पूरा परिवार होली मनाने के लिए 2 दिन पहले ही गांव गया था। बहरहाल पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया है। झारखंड के खेल मंत्री हाफिजुल हसन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने फुटबॉल को किक कर इस टूर्नामेंट की शुरुआत की। मौके पर विधायक सरयू राय भी मौजूद रहे। टूर्नामेंट के पहले दिन नेपाल और भारत के बीच भिड़ंत हुई। भागलपुर के नवगछिया में होली और शबे बारात पर्व को देखते हुए शांति समिति की बैठक की गई। इसको लेकर बुद्धिजीवियों की भी राय शुमारी की गई। वहीं एसपी ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पुलिस अधिकारी निगरानी रखेंगे। लोहरदगा के किसको प्रखंड मुख्यालय में दिव्यांग प्रमाण पत्र और यूआईडी बनाने के लिए कैंप लगाया गया। कैंप में ही मेडिकल टीम ने दिव्यांगों के लिए पत्र बनाया। डीसी के निर्देशानुसार इस कैंप का आयोजन प्रखंड स्तर पर भी किया जा रहा है। मुंगेर जिला के धरहरा थाना क्षेत्र से दिल्ली की साइबर क्राइम की टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार दिल्ली के साइबर क्राइम सेल में इसके खिलाफ मामला दर्ज था। शख्स पर इंडसइंड बैंक का प्रतिनिधि बन 19 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप था।
देवघर जिले में पंजी 2 में हुई गलतियों की वजह से कई रैयतों को लगान नहीं कट रहा है, जिससे रैयतों की परेशानी बढ़ गई है। इस मामले में जहां रैयतों का कहना है कि शिकायत के बाद भी समस्या का हल नहीं निकल रहा है, वहीं देवघर डीसी ने सीईओ को जल्द समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। देवघर जिला के माधोपुर और पालोजोरी थाना क्षेत्र में आज छापेमारी कर कुल 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 22 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इनमें से एक अभियुक्त पहले भी साइबर अपराध के आरोप में जेल जा चुका है। ये सभी फोन पे और गूगल पे पर रिक्वेस्ट भेजकर फर्जी तरीके से ठगी का काम करते थे। धनबाद ट्रैफिक पुलिस होली और शबे बारात के मद्देनजर सक्रिय हो गई है। पुलिस वाहनों की सघन जांच कर रही है, साथ ही जरूरी दस्तावेजों की भी जांच कर रही है, ताकि अपराधी घटनाओं को पूरी तरीके से अंकुश लगाया जा सके। गढ़वा में भाषा को लेकर आंदोलन तेज हो रहा है। एक ओर जिले में हिंदी, भोजपुरी, मगही भाषा को शामिल करने की मांग को लेकर धरना दिया गया, तो वहीं भाजपा के पूर्व विधायक, स्थानीय विधायक सह मंत्री को निकम्मा बताते हुए इस्तीफा की मांग की गई। रामगढ़ में बॉक्सलैंड ट्रेनिंग सेंटर के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के साथ साथ भी भीड़ ने धक्का मुक्की की और पुलिस की पीसीआर वैन को क्षतिग्रस्त कर दिया। मेरे साथ समाचार एक्सप्रेस में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।